एपिसोड शुरू होता है हम देख सकते हैं कि हाँ वो सब लोग उसी मूर्ति के सामने होते हैं और उन सभी ने ये देखा कि वो मूर्ति क्या कर सकता है। और सन ये सब कुछ देख रहा होता है और वहाँ पर जो मेन कैप्टन होता है वो सभी को कह देता है कि कोई भी हिलना मत, अगर कोई हिला तो भी वो मारा जाएगा। और सन ये देखता है कि जुइस यहाँ पर वो डर के मारे कुछ कह भी नहीं पा रही है। और यहाँ पर जो मेन लीडर होते हैं वो सन से कहता है अगर तुमने मूर्ति के ऊपर हलचल जो हुआ वो तुम ध्यान नहीं देते तो फिर यहाँ पर जितने भी लोग होते सभी मर जाते। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सांग ने सबको कहा था कि नीचे बैठ जाओ। और उसी वक्त सांग ये नोटिस करता है कि उसके लीडर का हाथ नहीं है और उसके हाथ को खून से रोकने के लिए पट्टी करता है, मतलब बैंडेज करता है। देखो भाई लोग यहाँ पर जुई बी रैंक की है लेकिन उसका जो दिमाग है वो बहुत कमज़ोर है, मतलब कि हाँ वो बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाती है। यहाँ पर उस लीडर को ये तक नहीं पता कि वो किस रैंक की है, मतलब उसके सामने जो मूर्ति है वो ए रैंक या फिर एस रैंक या फिर उससे भी ऊपर। और यहाँ पर वो सब लोग उसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, यही कि सबसे पहले भगवान की पूजा करे और दूसरा परमेश्वर पर की स्तुति करो, तीसरा भगवान के ऊपर विश्वास करो। जो लोग इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे वो लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। और ये सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ था। और बाद में हम सबको ये कहा जाता है कि बहुत साल पहले इस दुनिया में किसी एक पोर्टल खुल चुका था और जिसे कहते हैं गेट, और ये गेट किसी और दूसरे ग्रह से इस ग्रह को कनेक्ट करता है और उसी दूसरे ग्रह से बहुत टाइप के मॉन्स्टर आते हैं और इसी सब मॉन्स्टर को हराने के लिए हंटर को बनाया जाता है। और ऐसे करते हुए जितने भी गेट थे सभी गेट के अंदर हंटर चले गए, उन सभी मॉन्स्टर को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जितने भी मॉन्स्टर थे आगे सब लोग जाग गए, तब भी हरा के कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ कुछ गेटों के अंदर कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो हर वक्त निराशा लेके आते हैं, जैसा कि हाँ ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। और बाद में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जिस स्कूल के अंदर हाँ संघ की बहन है, मतलब बहन पढ़ती है, और इस लड़की का नाम है जिन्ना। और जिन्ना यहाँ पर अपने दोस्त के साथ बातें कर रही है और उसके दोस्त यहाँ पर कहती है तुम्हारा ब्रदर एक हंटर है, और हाँ उसका जो ब्रदर है वो ई रैंक के हंटर है। और यहाँ पर उसकी बहन ये बताती है कि हाँ वो कमज़ोर है, उसे बहुत चोट लगती है, लेकिन तुमने ये बात क्यों कहा। और उसकी दोस्त रिप्लाई में ये कहता है अगर मैं तुम्हारे ब्रदर की जगह पर होता तो फिर ये सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं होता। ये लड़की कह रही है लेकिन भाई लोग वो किस जगह पर है किसी को भी नहीं पता। और यहाँ पर इन लोगों की बात यही होती कि इस वक्त क्या किया जाए। और उसी वक्त एक लड़के को देख सकते हैं कि हाँ वो लड़का इस जगह से निकलने के लिए तैयार है, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। और उस लड़के को लगता है कि वो सब कुछ कर पाएगा, मतलब कि हाँ वो इस जगह से निकल पाएगा, इसलिए अपनी पूरी ताकत से भागता है। लेकिन अंत हाँ यही होता है। और ये देखते ही सबको यहाँ पर पता चल गया कि हाँ यहाँ से कोई भी बच के नहीं जा सकता। देखो भाई लोग संग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चालाक होता है, मतलब कि हाँ उसका जो दिमाग है वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए वो सोचता है कि अब तक वो इस सभी को मारा क्यों नहीं, मतलब कि हाँ चाहता तो सब कुछ मार सकता था। लेकिन उसी वक्त सांग को ये याद आता है कि जो मूर्ति के ऊपर जो लिखा हुआ था वो क्या था, इसलिए वो सबसे पहले जो लिखा हुआ था वो था देवता की पूजा करो। सांग को कुछ पता चला लेकिन सांग यह पर एकदम ही भाई सांग यह पर खड़े होने की कोशिश करता है और जो लीडर होता है वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन लीडर को यह पता चल रहा है कि हाँ संग यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। हाँ संग अब पूरी तरह से खड़ा हो चुका है और जो मूर्ति है उसकी आंखें लाल होना शुरू हो चुका है। लेकिन उसी वक्त संग यहाँ पर अपना सिर को नीचे कर लेता है और मूर्ति यहाँ पर कुछ भी नहीं करता है। और यहाँ पर संग को सब कुछ समझ में आ गया, इसीलिए वो सबको कह देता है कि सब लोग इस मूर्ति के सामने झुक जाओ। इसीलिए सब लोग एक एक करते हुए झुक जाते हैं और बाद में देख सकते हैं जो आंखें हैं वो ठीक हो चुकी हैं लेकिन उसकी जो फेस है हाँ वो स्माइल कर रहा है। और ये देखते हुए सभी की और भी हालत ख़राब हो जाता है, सब कुछ यहाँ पर एकदम ही शांत होता है। और बाद में एक लड़का यहाँ पर खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन सब लोग रोकते हैं और अंत में वो लड़का खड़ा हो जाता है। सभी यहाँ पर देख के हैरान है कि वो मूर्ति अब कुछ भी नहीं कर रहा है और इसीलिए सब लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। सन ये सब कुछ सोच रहा है कि नहीं ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता। और उसी वक्त देख सकते हैं कि हाँ वो जो मूर्ति है वो खड़ा हो रहा है। वो भाई साहब कितना भयंकर नज़ारा है। लीडर यहाँ पर संग से कहता है कि आप क्या करना है। संग यहाँ पर कहता है मुझे नहीं पता। और दूसरा जो आज्ञा है वो है परमेश्वर की स्तुति करो। और ये सब कुछ सुनते हुए एक लड़का कहता है ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो।
वो लड़का ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि उसे पता है कि ये काम कैसे करना पड़ता है। और ऐसे में वो झुकता है और प्रार्थना करना शुरू कर देता है, लेकिन वो जो मूर्ति है वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो धीरे धीरे उसके पास आ रहा है और एक वक्त पर वो रुक जाता है। लेकिन शाम को यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है और अचानक फिर से वो डरा अपना स्माइल करता है और भाई उसे कुचल देता है। ये देख पे सब पे पर भाई हालत खराब हो जाती है। उसी के बीच एक लड़की इतना डर जाती है कि वहाँ पर बैठ जाती है, लेकिन भाई वो लड़की भी मारी जाती है। देखो भाई साहब ये सब कुछ देखते हुए जूही की एकदम हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन संग जूही को लेके भागता है। यहाँ पर सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। एक लड़का तो ये सोच रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पर नहीं मर सकता क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली है। और ऐसे में एक स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं मारना। लेकिन भाई वो जो पीछे जो मूर्ति है हाँ वो उसे बीच में से आधा कर देता है और फिर से वो मूर्ति अपने जगह पर खड़ा हो जाता है। और संग बस इसी बात को सोच रहा होता है कि गॉड को प्रार्थना करे। और संग यहाँ पर जूही को अकेला भी नहीं छोड़ सकता है। यहाँ पर संग को किस तरह का एक क्लू चाहिए, इसलिए वो सभी मूर्ति की तरफ देखता है और देखने से उसे पता चल जाता है कि हाँ सभी मूर्ति एक जैसे नहीं है, मतलब सभी के हाथों में एक वेपन है लेकिन किसी और मूर्ति के अंदर वेपन नहीं है। संग को यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो सभी को कह देता है यहाँ पर जितनी भी मूर्ति हो जो इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ा है उस सभी मूर्ति के सामने चले जाओ। और ऐसे करते हुए लीडर सबसे पहले एक मूर्ति के सामने जाता है और देख सकते हैं कि हाँ वो मूर्ति गाना गाना शुरू कर दिया है। और यही करते हुए सभी एक एक करते हुए सभी मूर्ति के सामने चले जाते हैं। और यहाँ पर संग जूही को लेके एक मूर्ति के सामने आया है, लेकिन वो मूर्ति कुछ भी नहीं करता क्योंकि वहाँ पर एक नहीं है, हाँ वो यहाँ पर दो है इसीलिए। और इसीलिए संग यहाँ पर जूही को अकेला छोड़ते हुए चला जाता है किसी और मूर्ति की तरफ। और देख सकते हैं कि हाँ वो मूर्ति अब इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो जो मेन मूर्ति है हाँ वो अब संग के पीछे है। और संग यहाँ पर उस मूर्ति के करीब भी आ चुका है, लेकिन संग यहाँ पर देख सकता है कि उसके ऊपर उसका पैर है। संग यहाँ पर फिर से बच जाता है और किसी मूर्ति के सामने चला जाता है, लेकिन भाई साहब वो जो मूर्ति है वो संग को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर सभी को लगता है संग यहाँ पर मर चुका है, लेकिन संग जैसे तैसे करते उस मूर्ति की तरफ बढ़ रहा है। ये ख़त्म नहीं हो सकता और फिर से वो मूर्ति संग के ऊपर हमला करने के लिए रेडी है। ये नहीं हो सकता और तुम लोग देख सकते हो कि हाँ उसने पैर रख दिया है और खून ही खून देख सकते हैं। और हाँ वो जो मूर्ति वो गाना गाना शुरू कर दिया है और संग यहाँ पर बच गया है। और जो बड़ा मूर्ति है फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है और फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है। और उसी पर देख सकते हैं जूही यहाँ पर आ चुका है संग के पास ये देखने के लिए संग ठीक है या फिर नहीं, लेकिन संग का यहाँ पर पैर कट चुका है। हाँ ये पैर उसी मूर्ति से कट चुका है। और जूही यहाँ पर अपनी मैजिक से संग को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर जूही बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर पाती है क्योंकि जूही भी यहाँ पर अपनी लिमिट पर आ चुकी है, मतलब यहाँ वो इससे ज़्यादा हील नहीं कर सकती है किसी को भी। और बाद में वो सब लोग एक जगह पर आ जाते हैं, देख सकते हैं कि हाँ उन सभी के पीछे यही बातें हो गई थी कि जो मेन लीडर है यही उसका सब कुछ गलती है, इसी गलती के चलते यहाँ पर सब कुछ हो रहा है क्योंकि मेन लीडर ने कहा था इस गुफा के अंदर आने के लिए। लेकिन उसी के बीच वो मूर्ति फिर से अपना हाथ को ऊपर करती है और देख सकते हैं जो बीच में जो सर्कल बना हुआ है उसके अंदर से कुछ निकल के आता है। और ये देखते हुए संग को यहाँ पर पता चल गया कि क्या है, हाँ ये एक ऐसी जगह है जिस जगह पर भगवान को बलि चढ़ाया जाता है, मतलब यहाँ जो उसके बीच में जो जाएगा उसे अपनी बलि देना पड़ेगा क्योंकि जो आखिरी बात है हाँ वो है गॉड के ऊपर भरोसा रखो। देखो भाई लोग ये सब कुछ सुनते हुए उन सभी को पता चल गया कि हाँ किसी को बलिदान देना होगा, इसलिए वहाँ पर जो लड़का होता है वो लड़का अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए लीडर से कहता है, लीडर आपने कहा था कि जो कुछ भी होगा वो आप खुद करेंगे इसलिए ये काम आपको करना पड़ेगा, मतलब हाँ वो कह रहा है कि लीडर को बलिदान देना पड़ेगा। और ये सब सुनते हुए लीडर खुद से ही चला जाता है उसकी तरफ, मतलब यहाँ जो मेन गोल होता है उसकी तरफ। और बाद में जब लीडर उसकी तरफ चला जाता है तब एक फायर जलता है और ये देखते हुए लीडर यहाँ पर संग से कहता है अब मुझे क्या करना है। और ये सब कुछ देखते हुए संग को कुछ भी पता नहीं चल रहा, इसलिए संग अपने दोनों दोस्तों को कहता है कि मुझे ज़रा पकड़ के उस तरफ लेके चलो। और ऐसे में जब वो तीनों यहाँ पर चले जाते हैं फिर से तीन फायर जलना शुरू कर देता है। संग यहाँ पर अंदर आ चुका है लेकिन वो संग यहाँ पर सोच रहा है कि अब क्या किया जाए, मतलब यहाँ पर लीडर से कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो क्या कुछ गलत हो सकता है। लीडर यहाँ पर कहते हैं कि हाँ कुछ गलत तो नहीं हो सकता लेकिन कोई भी आएगा नहीं यहाँ पर। संग यहाँ पर कहने की कोशिश ये कह रहा है कि अगर सात दिनों के अंदर
वो गेट से बाहर ना निकले तो भी वो गेट टूट जाएगा और गेट के अंदर जितने भी मॉन्स्टर हैं सभी अंदर आ जाएंगे। हाँ, वो सभी मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ जाएंगे और इसीलिए तो हंटर को अंदर जाना पड़ता है उन सभी मॉन्स्टर को हराने के लिए उस 7 दिनों के अंदर। और यहाँ पर वो लोग फंस चुके हैं और बाद में देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सन की बहन आई है उसके मॉम से मिलने के लिए और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ उसके मॉम के मतलब ट्रीटमेंट के लिए इतना कुछ करा जा रहा है। और यही रही सन की मॉम और यहाँ पर उसकी मॉम की हालत एकदम ही ख़राब है और सन बाकी लोगों को यहाँ पर बुला लेता है क्योंकि सन को यहाँ पर नहीं पता कि अगर वो दोनों यहाँ पर आएगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए सन यहाँ पर देखना चाहता है कि अगर वो दोनों यहाँ पर आ जाए तो फिर क्या हो सकता है। और जबकि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं उसके गोलों के पास से एक और गोल पड़ता है जिसके गोल के अंदर मतलब ग्लू फायर चलता है और अचानक जो दरवाज़ा है हाँ वो खुल जाता है और एक फायर बंद हो जाता है जिसके चलते तुम लोग देख सकते हो कि जो वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं स्टैचू वो सब लोग जाग जाते हैं और सभी एक एक करते हुए उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं। इस सब नज़ारे को देखते हुए अपन जितने भी लोग होते हैं सब किया और भाई बहुत ही डर जाते हैं। सन यहाँ पर सबको समझाने की कोशिश करते हैं डरने की कोई बात नहीं है सभी अपने अपने आगे को खुल के रखो। लेकिन यहाँ पर एक लड़की इतना डर जाती है कि वो भाई वो लड़की सन को छोड़ के भाग जाता है और जबकि वो लड़की चली गई है तुम लोग देख सकते हो कि दरवाज़ा थोड़ा और बंद हो रहा है। सन ये सब कुछ देखते सोचना शुरू करते जो पहला और दूसरा काम था तीसरा काम है। हाँ तीसरे काम के जो काम है वो है भगवान के ऊपर भरोसा रखो मतलब कि हाँ ये दरवाज़ा खुल चुका है ये झूठी आस ना देती है कि हाँ मतलब तुम यहाँ से भाग सकते हो और ये ट्रैप है। और यहाँ पर इन लोगों का परीक्षा चल रहा है यही कि गॉड के ऊपर भरोसा रखो। लेकिन सन के पास जो लड़का खड़ा है वो भी कह देता है कि मुझे माफ़ करना और वो लड़का भी ऐसे छोड़ के चला जाता है और ऐसे करते एक और फायर घुस जाता है और दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो जाता है। सन यहाँ पर सब कुछ देखते हुए सबको समझाता है कि कोई भी यहाँ से मत भागो क्योंकि यहाँ पर जो ब्लू फ्लेम चल रहा है वो सभी अगर बंद हो जाएंगे तब वो यहाँ से भागने के मौका मिल जाएगा उन सभी को। लेकिन इस बात के ऊपर वो लड़का बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। हाँ वो लड़का किम है। किम यहाँ पर सबसे कहता है कि मेरा एक फैमिली है और मैं यहाँ पर ऐसे मर नहीं सकता मैं ज़िंदा घर जाना चाहता हूँ और इसीलिए वो भी यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये तीनों हैं लेकिन सन यहाँ पर अपना जोश ख़त्म नहीं करने देता मतलब कि हाँ वो हार नहीं मानेगा वो ज़िंदा रहेगा। और उसी वक्त लीडर कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। लीडर को यह लगता है कि जब तक एक व्यक्ति यहाँ पर रहेगा तब तक वो दरवाज़ा बंद नहीं होगा और ऐसे में लीडर जूही को कहती है तुम सन को लो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जूही यहाँ पर हिलने की हालत में नहीं है। हाँ उसने अपनी जितनी भी हीलिंग मैजिक है इतनी इस्तेमाल कर ली है कि उसका जो पैर है वो हिल नहीं रहा है। ये सब कुछ सुनते हुए सन यहाँ पर कह देता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा जाइए आप दोनों यहाँ से ज़्यादा समय नहीं है जल्दी जाइए। जो ये सुनते कहते हैं बिल्कुल भी नहीं और सन कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें खाने पर लेके जाऊँगा है ना। और जो पत्थर है हाँ वो पत्थर उसे दे देती है और कहती है कि इससे कुछ तुम खाना खा सकते हो। बाहर निकलने के बाद मैं बाकी पैसों के लिए तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा ये सब कुछ हंसते हुए कहता है। लेकिन लीडर यहाँ पर जूही को बेहोश कर देता है मुझे माफ़ करना लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और ऐसे में देख सकते हो कि हाँ वो दोनों चले गए हैं और जो दरवाज़ा है वो अब तक खुला हुआ है और जितने भी मूर्ति है सभी सन के सामने आ रहे हैं वहाँ सन को मारने के लिए। लेकिन सन जब तक जिंदा है तब तक वो लड़ने के लिए तैयार है। पहली बार में सन यहाँ पर अपने आप को बचा लेता है। भाई लोग मैं यहाँ पर सच में कह रहा हूँ भाई सन की हालत है वो बहुत ही ख़राब है क्योंकि जो अपन जितनी भी मूर्ति है सभी एक एक करते हुए सन को मार रहे हैं। हाँ तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो उसका खून किस तरह से हर एक जगह पर बिखर रहा है। मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सका। यहाँ पर सन की हालत एकदम ही बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। मैं बस अपने तरीके से खुद को जीवित रखा हूँ। हाँ भाई तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर जितनी भी मूर्ति होते हैं सभी सन के सामने खड़े हैं। हाँ भाई लोग यहाँ पर सन की हालत एकदम ही बुरी हो चुकी है मतलब भाई वो इस वक्त भी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है। मैं अपने घर जिंदा जाना चाहता हूँ और उसे उठा लेता है और ऊपर से फेंक देता है। मैं अकेला हूँ जो मरने वाला हूँ और हाँ वो जगह एकदम ही खून से लथपथ हो चुकी है। ऐसा कहना बंद करो पाखंडी। और वो तीनों तैयार है मारने के लिए।
और संगे पर रोते हुए कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, अगर मुझे एक और मौका मिलता। हाँ, तुम लोग देख सकते हो, अब वो शायद मर चुका है और जो आखिरी ब्लू फ्लेम है वो भी बुझ चुका है। और अचानक एक गेम टाइप का कुछ निकल जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, एक संदेश, कमजोर का साहस, तुमने खिलाड़ी बनने का योग्यता हासिल कर ली है, क्या तुम स्वीकार करोगे? अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो फिर तुम इस समय के अंदर तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा, क्या तुम स्वीकार करोगे? यस। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है।